अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की हमारी प्रोडक्ट रेमिट डियर कैप्सूल है 30 mg के अंदर, और इसमें एक 60 mg भी आता है। और इसकी भी मैं जल्द आपसे वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली इसका यूज़ क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मकसद मैदे की तेजाबियत वगैरह, या मैदे में जलन, सीने में जलन वगैरह, या आपको सीने या पेट के इर्द गिर्द गैस की वजह से पेन महसूस हो, उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। मैदे के अल्सर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। इसके अलावा आपके मैदे के अंदर अगर कोई ज़ख़म वगैरह हो गए हों, अक्सर एच पैलोरी के दौरान आपको ज़ख़म हो जाते हैं, वो एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जो आपके मैदे के अंदर ज़ख़म बना देता है, और उस मकसद के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लैंसोप्राजोल का फार्मूला है, आप इसको देख भी सकते हो, और ये थर्ड जनरेशन का फार्मूला है। इसमें एक 30 mg, इसमें 60 mg आता है, वो भी इसकी आपसे मैं इंशाल्लाह जल्द वीडियो शेयर करूँगा। इसके अंदर 30 कैप्सूल होते हैं एक पैक के अंदर। मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हो। तीन स्ट्रिप होती हैं, तीन स्ट्रिप इसके अंदर, और टोटल 30 कैप्सूल होते हैं। बाकी इसका लिटरेचर इसके अंदर ही पड़ा होता है। इसके अलावा मेल फीमेल दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और शुगर के पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दिल के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने मुतल्लिक़ डॉक्टर से मशवरा कर लिया करें, और उसके बाद इस्तेमाल किया करें। स्कॉट मैन कंपनी का ये ब्रांड है, आप इसका लोगो देख सकते हो, और इसकी जो प्राइस है ये 450 rupees है, आपको दिख रही होगी, 450 rupees एक पैक की प्राइस है। स्कॉट मैन का ये ब्रांड है, ये इसका लोगो है। और कोई भी मेडिसिन पर आप यूज़ करने से पहले उसकी एक्सपायरी लाजमी देख लिया करें, एक्सपायरी देखने के बाद आप उसको उसका इस्तेमाल किया करें। 15 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आपने इसका टेम्परेचर रखना है, 15 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, और बच्चों की पहुँच से दूर रखें ये चीज़ें। कोई भी मेडिसिन, कोई भी ऐसी चीज़ लिक्विड वगैरह हो, आपके बच्चों की पहुँच से आपने दूर रखना है। बाकी इसके अलावा किसी भी मेडिसिन की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।